तो निकल गई सारी अकड़। एक मिनट रुको, एनी मोटर्स, मैं बताता हूँ। तुम लोग नॉर्मल हुआ करते थे, मजेदार ग्राउंड हॉग्स, फिर डॉक्टर एनिमो ने तुम्हें दबोच लिया। आखिर वो है कहाँ? तुम कुछ गलत सोच रहे हो लड़के, हम खुद के लिए सवारी करते हैं। कम ऑन, चलो इस बड़े शहर में हंगामा मचाते हैं। क्या सच में बेन? मेरा हाथ पकड़ो। तुम लोग यकीन कर सकते हो, बाइक पर चिपमंक्स। अब मेरी वॉच ठीक हो गई तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। जरा संभल कर बेन, दिमकों की तरह ये छोटे हैं, लेकिन छोटी चीजों से भी फर्क पड़ता है। मैंने सुन लिया था, लेकिन मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। आप लोग यहाँ के लोगों को संभालो, मैं चूहों की प्रॉब्लम हल करता हूँ। Hey, गोफर्स, तुम फिर से आ गए, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। देखते हैं कौन है छुटकू। अब जरा वाइल्ड वाइन के लिए तैयार हो जा। क्या अपग्रेड? शायद से बात बन जाएगी। एतराज न हो तो मैं ड्राइव करूँ। आखिर हो गए तुम। Oh yeah! अब थोड़ा स्टाइल मारने का वक्त है। आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैंने कहा उसे पीट कराओ, उससे मार खा कर नहीं। लगता नहीं उनके कानों तक तुम्हारी आवाज पहुंच रही है। जैसे कि अभी ये तो H2 ओवरफ्लो आराम से संभाल लेगा। ओह कम ऑन, एक मोटा सा पिनबॉल आग से कैसे लड़ सकता है? ओह हाँ, पानी, इस मुश्किल को तो मैं आसानी से हल कर दूंगा। कैनन बॉल जा गया है बचाने। थैंक यू जायंट पांडा भालू भैया। वेलकम, पर मैं पांडा भालू नहीं हूँ। यकीन नहीं आता मैंने इतनी आसानी से कर दिया। अब तो मेरा मॉन्यूमेंट बनना ही चाहिए। टिम्बक्टू आया है बचाव करने। बचाव? थोड़ी सी देर कर दी ब्रो चाउस्की। अपने ये डायलॉग मुझ पर मत आजमाओ विलन कहीं के। मैं विलन नहीं हीरो हूँ। तो फिर इस बोट में आग कैसे लगी चालबाज? मैं आग बुझाता हूँ, आग लगाता नहीं। वैसे हीट ब्लास्ट बना तो बात और है। मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। अब इन पैनामैनियन पॉइजन एरो फ्रॉग ब्लो डार्ट का मजा लो। हे, मैं कोई विलन नहीं हूँ। एंटी वेनम, मैं तुम पर नजर रखूंगा दोनों आंखों से। अलविदा, चलता हूँ। सुनो, इस तरह किसी पर हमला करके भाग नहीं सकते, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ वापस आओ। कर दिया ना चारों खाने चित। ठीक है बच्चू, मुझे तुम में दिलचस्पी होने लगी है। तुम ऐसे लड़के हो जो बदल कर क्या बन जाते हो? बेन है मेरा नाम, एलियन बनना है मेरा काम। हैरानी हुई, क्या तुम ऐसे एलियन बन सकते हो जो मेरे रास्ते में ना आए? मुझे इस शहर का हीरो बनना है। बॉयज बॉयज, तुम दोनों हीरोज हो, ठीक है? ये नौटंकी बाज और हीरो, अच्छा मजाक है। जाके अपनी शक्ल आईने में देख लो। गाइस, अगर तुम दोनों हीरोज हो तो फिर हाथ मिलाओ, अपने हाथ मिलाओ। एक बात तो है, मैं बहुत घूमा हूँ लेकिन तुम जैसी पावर्स वाला मुझे कभी नहीं मिला। मैं लगभग
इम्प्रेस्ड हूँ। और तुम्हारी अजीब चीजों वाली पाउचेस भी कूल हैं शायद। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो मेरे चेले बन सकते हो। मुझे चेला बनाने से पहले अपनी शक्ल तो देखो। ये दोनों फिर से शुरू हो गए। वैन, आराम से बैठो और शो का मजा लो, ये हीरो वाला मामला है। अपनी साइज वाले के साथ मुकाबला करना चाहते हो? दिखाओ तुम में कितना दम है टिम्बक जीरो। बेस है मेरा हिप्नो जोजम, तुम पैरालाइज हो जाओगे। तुम मेरे निंजा स्मोक वाइल का मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ, नाकामयाबी की बू आती है। अब मेरी इस ताकत के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तो रायन, तुम्हें फोन्स पसंद है? क्योंकि मुझे तो है। साइमन, यहाँ वापस आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, शायद गर्मी की वजह से। और तुम्हें? हमने थोड़ा सा प्रून जूस बनाया है, पीना चाहोगे? नहीं चाहिए। जरा यहाँ देखो पार्टनर, तुम इन बेचारों को अकेला छोड़ दो समझे? चलो इसे कॉबॉयज की तरह निपटाते हैं। हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। कम ऑन साइमन, वरना चोट लग जाएगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। वो इसलिए कि तुम इरिटेट कर रहे हो। ओ, अब मैं एक बेन की तरह बोल रहा हूँ। बुरे लड़के हो बेन। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था, लेकिन तुम मुझे डांटते हो और बस अपनी वॉच के साथ खेलते रहते हो। वाह, क्या नजारा है। कुछ पीना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे पी लो ना, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं एक ऊंट की तरह। अच्छा, मैं कुछ देर बैठ जाता हूँ। धमाका। हे साइमन, क्या कहा था तुमने? इंसान के सर का वजन कितना होता है? तुम सिर्फ इसलिए प्यार से पेश आ रही हो क्योंकि तुम्हारा बदलने वाला वॉच मेरे बैकपैक के आगे कुछ नहीं, लेकिन जवाब है 5 किलो। कहाँ गया? सरप्राइज, पकड़ लिया। कम ऑन साइमन, जरा बात करते हैं। नहीं, तुम भी दूसरों की तरह मुझे बताओगे कि क्या करना है। चिल्लाओ मत, अपने विटामिन खाओ, पैड पहनो, ये गलत है। जिसे देखो वो अपनी मनमानी करता है, कोई मेरी नहीं सुनता। साइमन, ये मुझे भी सुनना पड़ता है, मैं भी अपने मन का कुछ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, वो चाहते हैं कि मैं एकदम परफेक्ट रहूं, जैसे मैं बच्चा नहीं कोई बड़ा हूं। हम चाहते हैं लोग हमारी बात सुने और लोगों को लगे हमारी बात इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, मुझे कीड़ों के बारे में सब पता है। अच्छी बात है, लेकिन साइमन वो तुम्हें ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तुम्हें चाहते हैं। अगर तुम्हें लगा भी कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हंगामा मचाओ, इसलिए चीजें तोड़ना बंद करो। ठीक है, तो क्या तुम्हारा कचूमर बना दूं? हमारा यार, बस भी करो। और इस तरह मैंने अपना पहला दांत खोया, अजीब है ना? वो कहाँ जा रहे हो? वाह, ये नजारा कितना खूबसूरत है, और वो वाटरफॉल भी कमाल का है। हाँ, पर बहुत दूर है, उस तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा? उनके साथ जाते हैं। हमारा पहला हाइक, तुम्हें यकीन है ये सेफ रहेगा? हाँ हाँ, पूरी तरह सेफ है। वो आ रहे हैं सिडनी। पता है मैं कितनी नर्वस थी? अब भला इस पे नर्वस क्यों होना? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। अर्थक्वेक, शायद चट्टान गिर गई। मैं फिर कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पर इसमें मेरी क्या गलती? ये है हीरो टाइम। मैं भी एक्शन के लिए तरस रहा था। मैं हूँ हीरो। मुझसे दूर ही रहो। सुनो तो, खेसक आने के लिए मैं तुमसे गुस्सा हो जाता, लेकिन तुमने उन हाइकर्स के साथ जो किया उससे मैं खुश हूँ। अच्छा फोकस था बच्चों, वो टायर्स इंतजार कर सकते हैं। एक बढ़िया हाइकिंग के साथ दिन शुरू करने से अच्छा क्या हो सकता है भला? No! Those noises, very disagreeable. Your slates are awfully dirty, darlings. Why don't I make them blank for you? Baby! It's not time to start all that again, Gwen. We... No! Baby! Oh my gosh, we're babies! More toddler than baby. I'll have to look into my powder formula. Still, you're quite manageable now. Go
boys, do get these little ones out of the way. Nanny has a populace to transform. Yeah! Thank you. Time to work the forearm. Oh, so cute. Hey, he looks different. God, man, these baby legs are short. Get in that car! Just a toy car! Hey, get back here! Just steal! You're gaining on us! Go around it! The steering wheel's not connected to anything! It's just a toy car! That must be why we don't need seatbelts. All right! Nothing some punches can't fix! What? Go! Ballroom. Wow, more babies! Where'd they go? Ben, don't throw babies! Look, a skylight! And outside is that powder gun Nanny was talking about. We gotta stop her! Quick, toss me up! Barry, you! Whoa! You're too heavy! Yep, that's better. Is it just me, or is this noise actually getting worse? The watch never made that sound until that new alien showed up. He has a name. It's Gax. It's definitely an alarm, right? Possibly. It could have been what attracted those other aliens to Gax, if that's what they were after. I don't even get what we're trying to fix. Aside from the occasional beeping, being able to change from alien to alien is awesome. And I got a new super powerful bonus hero. Ben, I think it may be a little more complicated than that. But we'll figure it out, as a team. Ow, Phil! What is that thing? It's a device to monitor the energy signatures of your rapidly changing alien forms. Ugh, that's it! This is my watch and my aliens. I'd know if something was wrong with it, and I'm telling you guys, there isn't. I'm gonna go test out my new powers on my own. Ben. No, it's better if he goes and uses the watch as much as possible. It will give us more data to work with. All right, Gax. If anything, he just made it worse. I'm trying to focus on Gax. If I can just get this thingy off my watch. Ugh, looks like this job's gonna require some heavy machinery. Come on, watch. I wanna focus on Gax. Huh? What? Now look what you made me do, Phil. Well, at least now I can stop out the... fire! Oh, this is most unpleasant! Oh, I don't feel so good. Oh, no! Ooh, now we're talking! Yes! Uh-oh. Oh, man. Stay cool, Ben. You got this. No level of disaster, you can't miss her. Ah, oof! No! See? And I didn't even have to lift a finger. I guess that takes care of the fire. Oh, not you too. These readings are off the charts. Never mind the readings, Phil. That's the way Ben went. We've got to go find him. Wait a moment. There's something strange here. The data inside the watch that allows Ben to transform, a portion of it seems fragmented. Incomplete. As if it's missing its other half. I don't think that the watch has been sounding an alarm at all. I believe it may be a beacon.
The volcano's destabilizing right underneath us. Turn back, Max. I can't stop it. Maybe I can. Come on. Yes! For bringing me the Omnitrix. You survived our last encounter thanks to its power. Mildly impressive. Hey! My eyes are up here, Vilgax. And I hope you're ready for round two, because you're about to get heat blasted. I am always ready, Changeling. What? Huh? Fine. Aqua Kick! Pigeon. Not so fast! Vilgax, here's water in your arms. I can't control my transformations, but perhaps I can control my lack of control. Guess who's coming, Sourpuss? Prepare yourself, Groot, for even I do not know my next attack. Stink fly! Four arms! It's just with your name on it! Your crystals mean nothing to me! It would appear that I've underestimated the power of the Omnitrix. Giving a mere child the power to challenge me, Vilgax the Conqueror. I think I'll take it. Come and get it! The molten energy from this dirt planet has finished fueling my ship. I can finally resume conquering the galaxy.